इस देश में गॉड से जैसे लोगों की पूजा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह देश महात्मा गांधी का कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पदयात्रा के दौरान देवास से भोपाल की ओर बढ़ने के दौरान यात्रा संयोजक राकेश सिंह यादव ने कही। यादव ने कहा कि पहले दिन इंदौर की गांधी प्रतिमा से देवास तक करीब 42 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पैरों में छाले पड़ गए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरे दिन भी यात्रा प्रारंभ की। इस दौरान राकेश सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को यात्रा मार्ग में आने वाले स्थानों पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं को सूचित करना चाहिए, ताकि सभी लोग इस यात्रा से जुड़ें और अपनी सहभागिता दिखाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और आने वाले चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे। आपको बता दें कि गांधी जी के सिद्धांतों को सार्थक करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश सिंह यादव के नेतृत्व में इंदौर से भोपाल के लिए यह पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों लोग पैदल चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संकल्पित हैं। देखिए, एक गांधीवाद की यात्रा है जो इंदौर से शुरू हुई है। कल हमने लगभग 40 से 42 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हम देवास पहुँचे थे। काफ़ी लोग थक गए थे, पैर में छाले हो गए, फिर भी लगातार चलते रहे। देवास में शायद शहर अध्यक्ष वहाँ नहीं थे, इसलिए कम कांग्रेसी आ पाए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने शायद सबको सूचित किया है कि इस यात्रा में सहभागिता दिखाएं, जिससे आम जनता से जुड़ चुके हैं, क्योंकि देवास भी हम पिछले 30 सालों से चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो ऐसी यात्रा में शामिल होने से जन आधार बढ़ता है और सभी कांग्रेसियों को इस यात्रा में आना चाहिए और प्रदेश कांग्रेस को भी इस यात्रा का संदेश सही रूप से जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष को पहुँचाना चाहिए, जिससे कि वहाँ अधिक से अधिक कांग्रेसी अगर आएंगे तो आम जनता भी जुड़ेगी। ये सीधा संदेश है इस गांधी यात्रा का। इस प्रदेश में गोडसे की पूजा करने वालों का रहने का कोई स्थान नहीं है। ये देश गांधी का कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आपका नाम? राकेश सिंह यादव, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल। रिपोर्ट, खबर, मध्य प्रदेश।